न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। विधायक उमंग सिंधार गंधवानी विधानसभा मध्य प्रदेश जनता के अधिकार की बात कर रही है। गरीब आदिवासियों के लिए सहायता राशि का चेक सांसद सावित्री ठाकुर महोदय से मांग रहे थे। इसी दौरान भाजपा के नेता प्रदीप गांधिया ने कांग्रेस विधायक उमंग सिंधारे से टाड़ा के बड़दा में अभद्रता की, जिसके बाद सांसद के सामने ही दोनों नेताओं में छीना झपटी हुई। इस मामले ने टूल पकड़ा। भाजपा नेताओं ने शिकायत पत्र टाड़ा पुलिस चौकी पर दिया। कांग्रेस भी मैदान में उतरी। इंदौर से मयंक साधु की स्पेशल रिपोर्ट MNS न्यूज के लिए। रक्षाबंधन त्योहार शनिवार को वेश्यावृत्ति क्षेत्र में मनाया गया। इस समय वहां के महिला कार्यकर्ताओं ने सामाजिक कार्यकर्ता कड़म कर इनके साथ ही बाकी लोगों को भी राखियां बांधी। खास बात तो ये है कि इस रक्षाबंधन के अवसर पर तोहफे में उन महिलाओं का बीमा उतारा गया। ग्रीन नागपुर बनाने में नागपुर निभा रही अहम रोल। शहर के विकास को गति देने वाली अहम परियोजना नागपुर मेट्रो के रूप में शुरू है। इससे साकार कर रही कंपनी नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और महामेट्रो का दावा है कि माझी मेट्रो ग्रीन मेट्रो होगी। बदलते जमाने में ऑनलाइन शॉपिंग, बैंक पेमेंट, हॉल बुकिंग, ट्रेन, एयर, बस बुकिंग और सरकारी कामकाज को पछाड़ते हुए अब ऑनलाइन अंतिम संस्कार का मामला सामने आया है। यह हैरतअंगेज मामला महाराष्ट्र के पालघर का है। यहाँ एक 65 वर्षीय महिला का अंतिम संस्कार गुजरात में रह रही उनकी बेटी ने ऑनलाइन वीडियो कॉल पर कराया है। इतना ही नहीं, बेटी ने अपनी माँ की अस्थियां कुरियर से गुजरात मंगवाई है। यह ऑनलाइन अंतिम संस्कार इलाके में मोर्चा का विषय बना हुआ है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा MNS न्यूज लाइव। नमस्कार।